कैसा लगा तुमको सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा, नहीं आता तो बहुत सुनता तुम, हम तो बहुत कुछ सोच कर रहे थे, सोच लिए थे कि तुमने आगे तो शादी में नहीं आएंगे तेरा। अरे अभी दुमका से हम लोग निकले हैं एंड जामताड़ा अप्रॉक्स 62 किलोमीटर दिखा रहा है। आपके लिए भी सरप्राइज है कि यार हमारे साथ क्या होगा। वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज काफ़ी दिनों बाद फिर से निकले, एक छोटे से राइड का एक्साइटिंग होने वाला ये जर्नी। पहले चलते भाई अपने फ्रेंड को उठाते हैं क्योंकि डेस्टिनेशन थोड़ा सा दूर है। निकलना तो सुबह ही था अप्रॉक्स 10 बजे, बट अभी ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है। बस जल्दी से जाते हैं, अपने फ्रेंड को उठाते हैं, निकलते हैं भाई। देख रहे हो जैसे दशरथ को पता चला हम लोग जाने वाले, क्या क्या करवाने लगा। तो ऑलमोस्ट अभी दोपहर के 2 तो बज ही चुके हैं एंड हम लोग अभी निकल रहे हैं गिरिडीह के लिए। एंड ये दुमका जामताड़ा का मेन रूट है एंड इधर से जस्ट हम लोग निकल रहे हैं। आई होप सो गिरिडीह पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट हमें 4:30 से 5 हो जाएगा भाई। बहुत भयंकर धूप है आज और हमारे साथ है दशरथ है आज इन फ्रेम, फर्स्ट टाइम हमारे साथ हम लोग ट्रिप में जा रहे हैं दोनों भाई। जस्ट अभी दुमका से हम लोग निकले हैं एंड जामताड़ा अप्रॉक्स 62 किलोमीटर दिखा रहा है, बट अपना रूट थोड़ा सा अलग है। गिरिडीह जाने के बहुत सारे रास्ते हैं बट हम लोग चूज़ कर रहे हैं बालाजोड़ी वाला रास्ता जो कि आपका सारट होके जाता है। सो ऑन दिस रूट मैं पहली बार जाऊंगा। इससे पहले जब मैं गया था उस टाइम मैंने देवघर वाला रूट लिया था, हालांकि एक्चुअली वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है बट क्योंकि सिचुएशंस वैसे थे इसलिए यार उस टाइम पे लेना पड़ा था। बाकी अभी जस्ट हम लोग दुमका के आउटस्कर्ट से निकल रहे हैं भाई। मौसम देखो ऑलमोस्ट अब गर्मी पड़ने ही वाला है एंड इधर तो पानी भी नहीं है बताओ। अभी ठंड के दिनों में फील होता है कि पानी रहता है बट अभी से सूखा हुआ है तो क्या ही कंडीशन होने वाला है इस साल, भगवान जाने भाई। सो भाई हम लोग जा रहे हैं राइट साइड की ओर एंड लेफ्ट वाला रास्ता आपका निकलता है छोटोनाथ एंड ये आपका पालाजोड़ी होते हुए जाएगा। 20 किलोमीटर लगभग दिखा रहे हैं यहाँ से। सो ऑलमोस्ट अभी आई डोंट नो टाइम कितना हो रहा है बट हम लोग पहुँच चुके हैं अभी पालाजोड़ी एंड पालाजोड़ी के लेफ्ट साइड वाला रास्ता एक जाता है सीधा चित्रा होके जामताड़ा। हम लोग लेंगे राइट क्योंकि ये शॉर्टकट दिखा रहा है, हम लोग लेफ्ट से भी जा सकते हैं। सो ये मेरे लिए टोटली नया रास्ता होने वाला है क्योंकि इधर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ भाई। लेट्स सी यार कैसा रूट रहता है। व्हाट अ ब्यूटी मैन, इधर के रूट पे यार बहुत अच्छा सीनरी देखने को मिल रहा है। बट आज का मौसम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है राइड करने के लिए बट यार हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो यहाँ से सारा ऑलमोस्ट और 18 किलोमीटर्स दिखा रहा है क्योंकि मैं तोड़ तोड़ के जा रहा हूँ भाई, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि किधर से होके जाना है। तो अभी सबसे बगल में जो लोकेशन पड़ेगा, सबसे बगल वाला लोकेशन सारट ही है एंड लुक एट द व्यू भाई, पहाड़ है पहाड़ चारों तरफ। सीधा जाना है ना, ये आ गया तुम्हारा सारट। सारट आ गया है, 15 किलोमीटर है यहाँ से। भाई आई थॉट कि रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होगा बट इधर तो बहुत रास्ता ख़राब है। आने अभी तक तो रास्ता अच्छा ही था, इधर भी भाई ब्रिज का चल रहा है कंस्ट्रक्शन। प्लान किया है कि आपको बताते हैं, हमारा जो फ्रेंड राजा है उसको हमने बताया ही नहीं है कि हम लोग दुमका से निकल चुके हैं एंड ये प्लान था दशरथ का। तो क्या हुआ कि हमने ऐसे बताया कि हम लोग अभी तक निकले नहीं हैं एंड ही मस्ट बी थिंकिंग कि हम लोग नहीं आएंगे, वही सोच रहा होगा लड़का। और हम लोग जा करके डायरेक्टली सरप्राइज़ करेंगे, देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एंटर कर चुके हैं मधुपुर भाई। अब इधर से 2 रास्ता कटता है, एक थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है एंड एक थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है। तो हम लोग अभी मैप चेक करते हैं क्योंकि ऐसा रास्ता तो पता है नहीं। सो अब यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स का रास्ता और बचा हुआ है एंड धूप काफ़ी ज़्यादा है। वी थॉट कि यार बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा बट सही है भाई, 1 घंटा आई थिंक और लगेगा यहाँ से, उसके बाद सरप्राइज़ दिया जाएगा। आपके लिए भी सरप्राइज़ है कि यार हमारे साथ क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, अभी वो जा कर के पता चलेगा। बाकी इधर से रूट बहुत अच्छा है बट बीच में कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ पैचेस बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ओवरऑल रास्ता अगर कहोगे तो यार सही है,
भाई लेफ्ट साइड में रेलवे ट्रैक एंड राइट साइड पे रूट, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट लाइक बचपन से ही पसंद है ऐसे घूमते फिरते रहना। भाई इधर से भी एक ट्रेन चला जाता है यार, तो थोड़ा सा अच्छा लगता, मतलब सीन क्रिएट हो जाता भाई मस्त। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट गिरिडीह, और राजा का घर यहाँ से 11 किलोमीटर दिखा रहा है, और भाई मुझे तो कॉल पे कॉल आए जा रहा है, तो अभी भी सोच रहा है कि हम लोग दुमका से नहीं निकले हैं। तो भाई ये रहा पहला वर्कशॉप, तो अभी तो इस पर आई थिंक कोई नहीं है, नए वर्कशॉप पे चलते हैं। वजन तेरे पास आ गए दोस्त, तुम कहाँ है बताओ ना मुझे, तुम हमको बताओ ना, नाम नाम बता देना भाई एटलीस्ट। प्रेम कुमार, प्रेम कुमार आशीष, मिलते हैं भाई। हाँ कितना दूर है वजन? तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं यार, ये रहा राजा, अभी देखो क्या करेगा। आप भजन तुम आएगा तब घर घुसेंगे, आओ चलो चलो चलो। ये रहे हमारे मालिक सर, समय मजाक उड़ाता है, पूरा गाना लग चुका है, तो खाना खाते हैं फिर इसका क्लास लिया जाएगा। कैसा लगा तुमको हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा, नहीं आता तो बहुत सुनता तुम लोग गाली। हम तो बहुत सारा प्लान पता किसका था, मेरा नहीं था, उधर देखो हम तो बहुत कुछ सोच के रहते हैं, मत आओ तुम, उसके बाद दिखाते तेरा शादी। हम यहाँ से सारा हमको इन्फॉर्म कर रहा था, वहाँ तक सोच लिए थे कि तुमने आएगा तो शादी में आएंगे तेरा। अरे एंड हमारा पूरा सभा लगा हुआ है, ये हमारे मुखिया जी हैं। बोलिए मुखिया जी क्या किया जाए? ये कंटेंट बनाने के लिए आया था, हम लोग का कंटेंट नहीं ले रहा, हम लोग बकचोदी कर रहे हैं 3 बजे रात से, 3 बजे रात से हो गया हो गया। तो भाई कोई रात भर नहीं सोया भाई इधर, ये देखो ये रहे सारे लोग। About my short trip to Giridih, जहाँ मैं अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था, एंड वहाँ पे उसके घर पे गृह प्रवेश था, एक्चुअली नए बिजनेस का स्टार्टिंग था, तो हम लोग सारे कॉलेज के फ्रेंड्स गए हुए थे एंड हमने काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया। एंड इस ब्लॉग में मैंने जितना भी पार्ट डाला है आई थिंक वो उसका 5-10% भी नहीं होगा, बाकी आप सोच लो यार क्या ही होगा। खैर छोड़ो, आपको ब्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी अभी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मुझे आप लोग को देने हैं, हो सकता है आप लोग को बाकी सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं और से अभी तक मिल चुका होगा वो अपडेट, एंड ब्लॉग काफ़ी लेट से आ रहा है, तो यू नो अभी बहुत सारे अपडेट्स बाकी हैं। सो डैम श्योर अगले ब्लॉग में आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं जल्द अगले किसी ब्लॉग में, टिल देन स्टे फिट स्टे ट्यून्ड, दिस इज रोहित मंगल।